पेमेंट, मोड बदलो, डाटा खरीदो। हर किसी दी रोशनी चली गई है ते लोग हावी शक्ति बनते जा रहे हैं। सियासतदाना तो बिना संस्थावां बेअसर अते बेकार हन। हुण सोचण दी लोड़ है कि इस तो सूबे अते 5 करोड़ लोकां नूं की हासिल होया है। मीडिया की कहण दी कोशिश करेगा तहरीक ए इंसाफ ते की शिकंजा कस्या गया है जिस दी नीति अपनाएगी। चोणां मुलतवी बिंदी लोकां नूं जेलां नालों वध सजावां मिल रहियां हन। जेहड़े लोग जेल विच बंद हन ओह अपनियां रोजाना दियां जिम्मेवारियां तो मुक्त नहीं हन। बिजली, पखे, सफर सब कुछ मुफ्त विच मिलदा है, पर जेहड़े जेल विच बंद हन ओह भैड़ी जिंदगी बतीत कर रहे हन। ओह दिल अते मानसिक रोगां तो पीड़ित किवें हन? की तुसी साहित्यकारां दी नीति अते जुल्म नूं स्वीकार करोगे? तहरीक ए इंसाफ नूं तबाह करन अते इस नूं सबक बनाउन दी नीति शक्ति दा प्रदर्शन अते हंकार दी निशानी है। यही कारण है कि लोकां दी हमदर्दी तहरीक अनसाफ वल वध रही है। कोई भी सियासतदान बुद्धिजीवी जा राष्ट्रवादी लोकां नूं मूर्ख नहीं बना सकता। बोरिंग संस्थावां किन्ने लोकां नूं जेलां विच रख सकदियां हन? एक आदमी जो सड़क ते सौंदा है मजदूरां दी घाट कारण अपने बच्चियां दा सामना नहीं कर सकता, तुसी उसनूं नोम दी निंदा करन लई किवें कह सकते हो? ओह अते दुर्व्यवहार दा सामना करना पैंदा है। सियासतदाना दा सामना तुसी मीडिया नूं काबू करके देखिया है, तुसी सियासतदाना नूं जेलां विच डक्या देखिया है, तुसी नोटबंदी दी लहर नूं सबक वजों देखिया है, पर लोक बदलणगे। कर ना सक्या इस देश दी बर्बादी दा दोष कौन लवेगा? इस नुकसान नु कौन भरेगा? जदि लोग उमर बिन खान नु इस दा जिम्मेवार मनन लई तैयार नहीं हन। असली ताकत लोग हन। लोकां तो बिना ईसाइयां नु हाशिए ते रखिया जा रहा है। बम धमाके अते 250 मिलियन लोग गंभीर खतरे विच हन। बिंदी संस्थावां अते हिस्सेदारां नु अजिहा करन तो गुरेज करना चाहिदा है। ए बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है। अबद्रे आवा, मैनू इस बारे सोचन दी लोड़ है कि मैं अपनी रिकवरी किवें प्राप्त करांगा। बोर दा सौखा हल बलैक्शन है। उमर बिन खान नू खुदारा नाल प्यार है, पर ओह स्पष्ट तौर ते अपने आप नू जिम्मेवार नहीं समझ सकते। ओह अजिही राजनीति दा अंतिम संस्कार खुद नहीं करनगे। बिंदी बिंदी संस्थावां नूं कुछ कदम पिछे हटन दी लोड़ है, नहीं तां हौमे रेत वरग दे हंकार दे भयानक नतीजे सामने आउणगे। पाकिस्तान नूं पहला ही भारी नुकसान होया है अते जनता अजे भी नवंबर दी असलियत तों जाणू है। इन्हां संस्थावां नूं अपना फलसफा बदलन दी लोड़ है। ओह अपने आप नूं राज समझदे हन, जदों कि राज लोकां लई बोर हुंदा है अते गरीबां अते गरीबां दोवां नूं लताड़ नहीं सकता। अदारे लोकां नूं खुश करन दा जरिया हन, ना कि बुद्धिजीवियां दा काम अते तंग परेशान करन दा। पर बदकिस्मती नाल पाकिस्तान दे बुद्धिजीवियां ने लोकां नूं पूरी तरह विसार दिता है। ए सब देख रहा है। संस्थावां नूं लोकां विच जाके अपनी अहमियत दा एहसास करवाउणा चाहिदा है, पर जिहड़े लोक अखबारां दे लुटेरे बन के 5 करोड़ लोकां दी बर्बादी नूं नुकसान नहीं समझदे, ए लोक इक वारी अपना रवैया बदल के इन्हां अखबारां दे मालक बन जाणगे। ए होण लगा है बिंदी चोणां नूं अग्गे। अडाबरों दी रक्षा की करेगा? सिर्फ लोग ही संस्थावां दी रक्षा करेंगे। ए कर सकता है क्योंकि अविम एक राज है अते लोग सतिकार दे योग नहीं हन। जो लोकां नूं गुलाम समझता है ओ मानसिक रोगी है, ओ तबाही वाला है, कुछ भी नहीं दे सकता। इन्हां अदारियां तो वापस लैण दी बेनती कीती। इस तो इलावा कुछ कदम पिछे हट के मुद्दियां ते नजर मारो। होर कोई रास्ता नहीं है। संस्थावां स्वय निर्भर हन अते थोड़े थोड़े लोकां दे हित विच ए राज पूरी दुनिया विच जलील हुंदा है। अजिहा करना देशभक्ति नहीं है। लोक एक महान बरकत। तुसी मनुखता दी सेवा लई उन्हां तों उच्चे पद्धर ते सी।
ओ बच्चिया बजुर्गा तिया ते मावां दी सुरक्षा लई नहीं हन। मैं अपने आप नू खतरे विच पा लिया हुंदा पर तुहाडी सियाणप ने 5 करोड़ बचाए। लोकां नू खतरे विच पा दिता गया है। ए महान सोच दा निवास है। ओ लोकां बारे की सोचते हन? बोर तुसी की सोचते हो? 9 मई इस नू जायज ठहरा के इन्नी वड्डी राज दी कुर्बानी देना चंगी गल नहीं है। ए है शहीद किसी भी नागरिक अते बालक अते पिता नालों वध सतिकार योग है। एक चेतन व्यक्ति इस तो इनकार नहीं कर सकता पर एक जीवित व्यक्ति भी कर सकता है। एक ठिकाना है जिहड़े जिउंदे हन उन्होंने होर भी शहीदियां पाईयां हन। फैक्टरी बंद करन दा मतलब भी शहीदां दा अंत है। बिंदी बंसन ओ शब्दां नाल नहीं जीत सकता जेकर उसदे काम उसदे शब्दां नाल मेल खांदे हन। मैं इसदे खिलाफ हाँ। इंसान नू जिंदगी विच एक ही मौका मिलदा है। हर कोई ओ है। ओ अजिहे रुतबे नू उच्चा करे जां नीवा करे। अज लोग आईया हन जनरल जिया उल हक परवेज मुशरफ बोर बाजवा नू किना शब्दां नाल याद करदे हन। खुश ना होवो। हुण सारे इमरान खान ताकतवर दे विरोधी नहीं सन। ओ लोकां विच हरमन प्यारे सन। क्यों ना ए उसदे कम्मा अते फलसफे दा नतीजा सी। बिंदी सिखलाई किवें मिलदी है अते किवें मिलदी है। दार्शनिकां कोल किसी भी तरह दौलत अते जायदाद नहीं हुंदी है। पावे ए पता नहीं कि लोगन ते चंडा चुकना जायज है। ए एक स्वय निर्भर विचार है। हर इंसान नहीं। उमर बिन खान भी इस गल नू मंदा। पैगंबरां दे फलसफे ते रखी गई है पर अमली तौर ते हर रोज उन्हां दा अपमान कीता जांदा है। ए पता नहीं है कि ए जायज है। लोकां ते चंडा चुकना अपने आप नू अपमानित करन दे बराबर है। हर इंसान आखता है कि उमर बिन खान भी इस गल नू मानदा है पर बाकी सारे सही अते संपूर्ण हन। ए नेकनामी दा अपमान है। इस दुष्ट आत्मा दा परछावा पाकिस्तान ते है। बिंदी हर वर्ग इस दुष्ट आत्मा दे वस विच आके अपने आप नू तबाह कर लैंदा है अते राज नू भी तबाही दे कंडे लियांदा है। यही 75 सालां तो चल रहा है पर उमर बिन खान हर नुकसान दा जिम्मेवार नहीं है। जेकर सबक बनाउन दा फलसफा उदो तो शुरू हो गया हुंदा ता शायद इमरान खान अते संस्थावां दे नेता इस संक्रमण तो बच जांदे। राज तस्करां ते हाथ नहीं पा सकता। नशा वेचण लई बोर बनाउन वालिया ते हाथ नहीं पा सकता। बिंदी 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 तरासती मॉडल टाउन नू अगे नहीं वधा सकती। ए बेनजीर पुट्टो दे कातला नू नहीं फड़ सकती। ए जमाखोरा नू नहीं फड़ सकती। ए संविधान दी उलंघना ते हाथ नहीं पा सकती। ए कमजोर वर्गां दे बुनियादी अधिकारां दी राखी नहीं कर सकती। ए अगवाकार नू नहीं फड़ सकती। कंध उन्हां लई सबक नहीं बन सकती जो इस दी उलंघना करदे हन। ए देश नू कर्जे अते व्याज अते गैर कानूनी कारोबार विच फसन तो नहीं रोक सकता। अजेही शक्ति दी कुल कुशलता ए है। क्यों ना ए उसदे कम्मा अते फलसफे दा नतीजा सी। अते जे ओ अपने आप नू लाभदायक समझता है ता अल्लाह कुल कुशलता ए है। क्यों ना ए उसदे कम्मा अते फलसफे दा नतीजा सी। अते जे ओ अपने आप नू लाभदायक समझता है ता अल्लाह